रात में शिवांश अपने रूम में बैठा हुआ था। उसे नवेगा की बोली हुई बातें याद आ रही थी। वो सोच रहा था उसकी मम्मी को पता चलेगा तो उनका रिएक्शन क्या होगा। वो जितनी प्यार से पेश आ रही थी उससे बिना मतलब पे नफरत करने लगेगी। पर ठीक है ना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा और आगे चल के हो सकता है घर में भी कूल हो जाए सब, तो अभी इतना सोच के कोई फायदा नहीं है। बेचारी नविका को कितना बुरा लगा होगा, वो भी परेशान थी काफी। उसे मैसेज करके बता देता हूँ कि सब ओके है, वो कोई टेंशन ना ले और हम मिलते हैं कल कॉलेज में। उसने नविका को टेक्स्ट किया, यार सॉरी मैसेज झटके से घर चला गया था, तुम्हें ढंग से बाय भी नहीं बोला, तुम टेंशन मत लो सब ठीक है, कल आओ कॉलेज आराम से बैठते हैं। सिंगल टिक आया मैसेज पे और शिवांश ने फोन लॉक किया और फोन को चार्ज में लगा दिया। रूम से बाहर गया तो उसकी मम्मी बैठी हुई टीवी देख रही थी। मम्मी ने पूछा, मुंह फुला रखा है क्या अभी तक? शिवांश ने कोई जवाब नहीं दिया। मम्मी ने अपना बोलना चालू रखा, तेरी दोस्त ने खाना नहीं खाया था ढंग से, अच्छा नहीं लगा था क्या? क्या कह रही थी? वो खाकर ही आई थी घर से और कुछ काम भी था उसे, इसीलिए जल्दी चली गई। लड़की ठीक थी? दोस्त है ना तेरी, या कुछ और चल रहा है? शिवांश ने जवाब दिया, हाँ दोस्ती है, पर वो ग्लास वाली बात मुझे याद है मम्मी, भूला नहीं हूं। बेटा तू जानता है मुझे, तो मत कर ऐसे, समझा कर मेरी दिक्कत। शिवांश फिर बिना कुछ कहे अपने रूम में वापस चला गया। उसने फोन चेक किया, कोई रिप्लाई नहीं। अगले दिन जब वो कॉलेज पहुंचा तो बहुत से लड़के लड़कियां उसके पास जाते और फेस्ट में उन लोगों की परफॉर्मेंस कितनी अच्छी थी उसकी तारीफ करते। नविका के बारे में भी उससे पूछ रहे थे कि बैंड की वो नई लड़की कहाँ है। एक परफॉर्मेंस के बाद अब नविका भी फेमस हो गई थी कॉलेज में, सब शिवांश से आकर उसकी तारीफ कर रहे थे। पर नविका एब्सेंट थी आज कॉलेज में, आई नहीं थी। उसके नाम का कितना शोर हो रहा था ये उसे सुनना चाहिए था, वो बहुत खुश होती। शिवांश भी उसे ढूंढ रहा था पर वो थी ही नहीं। उसने उसे टेक्स्ट किया, तुम आज आ नहीं रही हो क्या? अपनी तारीफ तो सुन लो आके, तुम्हारी परफॉर्मेंस की बहुत तारीफ हो रही है यहाँ। उसने मैसेज सेंड किया पर फिर सिंगल टेक। शिवांश ने कॉल लगाया पर नविका ने उठाया नहीं। क्लास में बैठे हर लेक्चर के बाद शिवांश यही सोच रहा था कि शायद अब नविका आएगी, अब आएगी। चेतन उसके बगल में था, उसने शिवांश से पूछा, और लड़के हो गया तेरा नविका वाला शॉट? शिवांश ने चिढ़ते हुए जवाब दिया, तुझे क्या करना है, शॉट हुआ या नहीं हुआ? वो वैसे ही नविका से मिलने के लिए बेचैन था और ना ही वो मैसेज सीन कर रही थी और ना ही कॉल उठा रही थी। छुट्टी के बाद उसने फिर उसे टेक्स्ट किया, कहां मरी पड़ी हो यार, जवाब क्यों नहीं दे रही? रात हो गई और फिर नविका का कोई रिप्लाई नहीं आया। उसने सोचा, पता नहीं क्या हो गया है, फोन वगैरह खराब हो गया होगा, कभी तो कॉलेज आएगी, अटेंडेंस भी तो पूरी करनी है, तब मिलते हैं आराम से। पर पूरा हफ्ता निकल गया, मंडे टू फ्राइडे, पर नविका ना ही कॉलेज आई और ना ही उसका कोई मैसेज। शिवांश रोज क्लास में जाता, उसका इंतजार करता और मुंह लटकाए घर लौट जाता। पर अब उसको टेंशन भी होने लगी थी, कैसा हुआ क्या है जब वो कॉलेज नहीं आ रही, उसकी अटेंडेंस जा रही है यार, मुझे करना होगा कुछ। उसने सोचा उसके घर जाके देख कर आए, पर फिर उसको याद आया कि उसको तो पता ही नहीं है वो रहती कहाँ है, उसका एड्रेस नहीं है उसके पास। रात को बिस्तर पे पड़े वो सोच रहा था, क्या करूं क्या करूं, कैसे पता करूं कि वो है कहाँ, फोन क्यों नहीं उठा रही। उसने उसका इंस्टा अकाउंट चेक किया, फेसबुक चेक किया, पर कहीं से उसके एड्रेस का उसे पता नहीं चला। वो लेटा हुआ था, उसने आंख बंद करी और एकदम से उसे याद आया। उसने झटके से आंख खोली और अपने कबर्ड में कुछ ढूंढने लगा। ओफो, कहाँ है वो पैंट, इधर ही होनी चाहिए थी। फिर वो हड़बड़ी में अपनी मम्मी के पास गया और उनसे कहा, मम्मी मेरी वो जीन्स कहाँ है जो मैं फेस्ट में पहन के गया था? मम्मी ने बोला, तेरे कबर्ड में ही है, मैंने पूरा ढूंढ लिया मुझे नहीं मिल रही, और अभी रात में क्यों चाहिए तुझे वो जीन्स? अरे मुझे चाहिए, कबर्ड में नहीं है, आप बताओ कहाँ हो सकती है? तेरे कबर्ड में ही है। नहीं है कबर्ड में, अगर मुझे मिल गई तो? ढूंढ लो, है ही नहीं तो मिलेगी कहाँ से। फिर उसकी मम्मी उसके साथ रूम में गई और कबर्ड में हाथ डाला, एक दो कपड़े बाहर निकाले और वो जीन्स शिवांश के हाथ में रख दी। ये रही, ढूंढना आता है नहीं फिर पूरा घर सर पे उठा लो। अरे मैं सच्ची कह रहा हूं, मैंने पूरा ढूंढा था, तब नहीं थी यहां पे। मम्मी ने जाते जाते बोला, हाँ भूत रख गया होगा ना फिर अभी। शिवांश अपने बिस्तर पे बैठा और जीन्स की सारी पॉकेट्स चेक करने लगा।
उसे याद आया था कि फेस्ट के दिन जब नविका का आईडी कार्ड उसकी जेब से गिर रहा था तो शिवांश ने उठाकर उसे अपने पास रख लिया था और आईडी कार्ड पे तो नविका का एड्रेस होगा ही। तो लेफ्ट वाली पॉकेट से उसे नविका का आई कार्ड मिल गया। उसने सोचा अब कल वो सीधा उसके घर ही चला जाएगा। अब जब कल का दिन आया तो उसने एक नोटबुक ले ली, नोट्स के बहाने ही उसके घर की बेल बजाएगा। बाहर निकला, आज ठंडी हवा चल रही थी और आसमान में सूरज को बादलों ने घेर रखा था। उसने ऑटो ली और वो जैसे ही ऑटो में बैठा थोड़ी देर के बाद बूंद बूंद बारिश होने लगी। नविका के घर का नंबर ढूंढते ढूंढते एक ही गली के दो चक्कर लगे, पर फाइनली आई कार्ड वाला एड्रेस सामने मिल गया उसे। बारिश भी अब तेज हो रही थी। वो जल्दी से ऑटो से बाहर निकला, बारिश से बचता बचता गेट के पास पहुंचा और उसने बेल बजाई। अंदर से एक आदमी आया। उसने दरवाजा खोला, शिवांश को देखकर उसने पूछा, हाँ क्या काम है? अंकल नविका है क्या? मैं उसका क्लासमेट हूं, मुझे नोट्स चाहिए थे उससे। बेटा आपको पता नहीं है क्या? क्या? नविका इज नो मोर। लास्ट संडे उसका एक्सीडेंट हो गया एंड शी पास्ड अवे। इस मंडे को हम कॉलेज में भी इन्फॉर्म कर देंगे। इतना सुनकर शिवांश के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने कहा, क्या आप क्या बोल रहे हो? ये नविका, नविका सिंह की बात कर रहा हूं मैं, ऐसा थोड़ी ना हो सकता है। बेटा पाओ अंदर आ जाओ, पानी पी लो। शिवांश अंदर नहीं गया, अपने मन में कुछ कुछ बड़बड़ाता हुआ बाहर की तरफ जाने लगा। तेज बारिश हो रही थी, वो सड़क के किनारे चल रहा था। मतलब वो हमारी आखिरी मुलाकात थी? वो कह रही थी मुझसे थोड़ी देर बैठते हैं, पर मैंने नहीं सुनी उसकी बात। मुझे बात करनी चाहिए थी उससे, तभी थोड़ा वक्त बिताना चाहिए था उसके साथ। मैंने ढंग से बाय भी नहीं किया उसे। ऐसा कैसे हो सकता है? मतलब मैं कभी नहीं देखूंगा उसे, हमारी बात भी नहीं हो पाई। क्यों कैसे हो गया? बारिश में चलते चलते शिवांश ने अपने हाथ से वो नोटबुक छोड़ी, अपनी आंखें बंद की। उसे नविका का चेहरा नजर आया और नविका की कही हुई बात भी। बारिश में भीगते हुए आंख बंद करके और सब कुछ भूल के जिसका भी चेहरा सबसे पहले सामने आए उसे इमेजिन करना और फिर उसके साथ आंख बंद में ही सालसा करना और तब बताना कि बारिश तुम्हें कितनी पसंद आई। और इतना याद करके शिवांश पागलों की तरह बीच सड़क पे आंखें बंद करके अपने में ही सालसा करने लगा। तो ये थी शिवांश और नविका की कहानी। आई होप आपको पसंद आई हो, और पसंद आई है तो प्लीज इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। उन्हें बताओ कि ऑडियो सीरीज सुनने का मजा कैसा होता है, और इंस्टाग्राम पे आ जाओ @abhash19 और यूट्यूब पे चैनल सब्सक्राइब कर लो राइम अटैक्स। कीप लिसनिंग स्टोरीज विद अभाष झा। अगर आपको मेरी कहानियां सुनना पसंद है तो मेरे गाने भी आपको बहुत पसंद आएंगे। मेरे सॉन्ग सुनने के लिए आप स्पॉटिफाई पर सर्च कर सकते हैं मेरा नाम अभाष झा। मेरी आर्टिस्ट प्रोफाइल पर टैप करके सुनो मेरे लेटेस्ट सॉन्ग्स, आपको जरूर पसंद आएंगे। लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा।